हेलो गाइस, एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर से डिज़ाइन कट्टा पर आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं स्केचर डिज़ाइन ट्यूटोरियल नंबर 4। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्लाइन टूल बार। जो हमारा प्रोफाइल टूल बार होता है उसके अंदर जो स्प्लाइन होता है, उस स्प्लाइन सब टूल बार के बारे में हम आज देखने वाले। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चले चलते कटिया में। मैं अब आ चुका हूँ कटिया में। जैसे कटिया में आता हूँ, कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाता है। हर बार की तरह सबसे पहले मुझे जाना है मैकेनिकल डिज़ाइन, बाद में स्केचर, और स्केचर में मुझे डालना पड़ता है यहाँ पर मेरे पार्ट का नाम। तो मैं डालता हूँ ट्यूटोरियल का नाम। ट्यूटोरियल नंबर है आज का मेरा। ओके करता हूँ। यह हमें ले आता है हमारे पार्ट डिज़ाइन के यूज़र इंटरफेस पर, वर्क बेंच पर, पार्ट डिज़ाइन वर्क बेंच पर। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले वो प्लेन सेलेक्ट करना है जहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ मेरी प्रोफाइल या मेरा जो कुछ भी मैं स्केच बनाना चाहता हूँ। मैं चाहे तो यहाँ से एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन भी क्लिक कर सकता हूँ, और चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली प्लेन पर क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं इस प्लेन पर तो उसमें हमने देखा था प्रोफाइल, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का सब टूल बार, सर्कल का सब टूल बार, और आज के वीडियो में हम देखेंगे स्प्लाइन और स्प्लाइन का सब टूल बार। अगर आपके पास ये यहाँ पर आपके डेस्कटॉप पर नहीं मिल रहा है तो आपको सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर है आपका प्रोफाइल टूल बार। अगर वहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं इंसर्ट, इंसर्ट में प्रोफाइल, प्रोफाइल में स्प्लाइन, और स्प्लाइन में यहाँ पर दो है स्प्लाइन और कनेक्ट, जो कि यहाँ पर है हमारी स्प्लाइन और यह है कनेक्ट। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ स्प्लाइन, इस टूल बार का थोड़ा सा ऊपर खिसका लेता हूँ ताकि हम अच्छे से ड्रॉ कर सकें। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा फर्स्ट पॉइंट, तो यह है मेरा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में मैं जहाँ जहाँ से मेरा स्प्लाइन ले जाना चाहता हूँ वो सब मुझे पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। अगर हमारे पास पहले से पॉइंट है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम रैंडमली हमें जहाँ पर चाहिए वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ वन बाय वन। अगर ऐसी मेरी कुछ प्रोफाइल है और मुझे क्लोज प्रोफाइल चाहिए तो मेरा जो कोई भी लास्ट पॉइंट रहेगा मुझे उसे सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। मैं जैसे राइट क्लिक करूँगा ये मुझे पूछता है क्लोज स्प्लाइन। अगर मैं क्लोज स्प्लाइन को जाता हूँ तो ये मेरा पूरा स्प्लाइन जो है वो मेरा क्लोज लूप बना देता है स्प्लाइन का। अगर मुझे क्लोज लूप नहीं चाहिए तो मैं इस तरह भी बना सकता हूँ। जैसे मैं स्प्लाइन लेता हूँ और वन बाय वन जो कुछ भी मेरे पॉइंट है मुझे पॉइंट में सिलेक्ट करता हूँ, और जो मेरा आखिरी पॉइंट है वहाँ पर मुझे डबल क्लिक करना है। तो ये हो गया मेरा ओपन लूप प्रोफाइल, सॉरी स्प्लाइन, ओपन लूप स्प्लाइन। तो कुछ इस तरह यूज़ होता है स्प्लाइन। और आगे है हमारा कनेक्ट। तो स्प्लाइन इस तरह कंप्लीट हो चुका है और आगे हम देखते हैं कनेक्ट। तो कनेक्ट क्या करता है, अगर हमारे पास स्प्लाइन है, दो स्प्लाइन है या एक एक स्प्लाइन है, तो उसके जो पॉइंट रहता है उस पॉइंट को मिला देता है। अगर दो हमारे पास सेपरेट स्प्लाइन है तो उन दोनों को कनेक्ट करने का ये काम करता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर दो स्प्लाइन बनाता हूँ सेपरेट, जैसे कि ये है फर्स्ट स्प्लाइन, डबल क्लिक, और जैसे कि यहाँ से मैं बनाता हूँ दूसरी सेकेंड स्प्लाइन। तो ये हमारी ये वाली और ये है बी। अगर मैं इस दोनों स्प्लाइन को यहाँ पर मिलाना चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर है हमारा कनेक्ट टू। तो मुझे सिंपली जो हम जिन दो पॉइंट को मैं क्लियर कनेक्ट करना चाहता हूँ मुझे उन दो पॉइंट को सिलेक्ट करना है। यह है फर्स्ट पॉइंट और यह है मेरा सेकेंड पॉइंट। तो इस तरह से जो है ये कनेक्ट हो चुका है। और उसी की तरह अगर मैं इसे भी कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं मुझे कनेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट और ये मेरा सेकेंड पॉइंट। तो इस तरह से हमारा जो है स्प्लाइन टूल बार कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सिंपली आपको कमेंट करना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। और उसी के साथ में आपको ये भी कमेंट करना है कि आप अगला वीडियो किस पॉइंट पर चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी ट्यूटोरियल आपके पास पहुंच जाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।